हर हर महादेव। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ सुविधाएं हैं, चूंकि यह देश का राजधानी है और यहां पर कौन सी ट्रेन कब आती है, कितने प्लेटफॉर्म है, पूरी डिटेल। तो चलिए इस वीडियो को नई दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पर लोग लाखों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं और यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको पढ़ाई करनी होती है, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको जॉब करनी होती है। दिल्ली में हम इस वक्त हैं रेलवे स्टेशन पर और रात्रि के करीब करीब 10 बज रहे हैं और यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर 2, 4, 5 और 6 पर जाने के लिए ये रास्ता है। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 16 प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ निकलते हैं तो आप अजमेरी गेट की तरफ निकलेंगे और अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ निकलते हैं तो आप पहाड़गंज की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर हम लोग 16 की तरफ हैं और यह देख सकते हैं कि भोजनालय लिखा हुआ है और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और पूरे इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विजिट करेंगे। अंदर तक हम आपको जाकर के सभी नज़ारे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं यह देश के कोने कोने जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनमें से बहुत से लोग आ रहे हैं, अपनी मंजिल को देखने जा रहे हैं। दृष्टि IAS, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली मुखर्जी नगर में यह कोचिंग है और दिल्ली मुखर्जी नगर में UPSC की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, उसका ऐड यहाँ पर आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने इस वक्त हम आ चुके हैं और यहां से हम लोग अंदर की तरफ भी प्रवेश करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या दिल्ली का रेलवे स्टेशन बढ़िया लगता है कि आपको बनारस का रेलवे स्टेशन बढ़िया लगता है। बहरहाल अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि अगर बात करें दिल्ली के रेलवे स्टेशन और बनारस के रेलवे स्टेशन के बीच तुलना की तो हमें बनारस का रेलवे स्टेशन बेहतरीन लगता है दिल्ली के रेलवे स्टेशन से, क्योंकि जो बाहर का उसका लुक है वो महादेव के मंदिर जैसा बनाया गया है और काफ़ी अच्छा लगता है बनारस कैंट रेलवे स्टेशन का जो दृश्य है। खैर, आ गए हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर और यहाँ पर हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। सामने डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर ट्रेनों का नाम लिख रहा है, टाइमिंग लिख रही है और साथ ही साथ आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म के लिए आपको टिकट मिल जाएगा जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं। चूँकि बड़े रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दिक्कत होती है यह समझने में कि कहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा, कहाँ पर जनरल टिकट मिलेगा और कहाँ पर रिजर्वेशन यानी कि बुकिंग होगी। हमारे पास ऑलरेडी टिकट है, हमारा टिकट कंफर्म है, इसलिए हम यहां से डायरेक्ट अंदर की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये देखिए आज का आरक्षण यहां पर सामने होगा राइट साइड में। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ एंट्री करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम भी अंदर जो है कि प्रवेश कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। यह देखिए, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके बैग वगैरह कुछ इस प्रकार से चेक होंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के लिए पैदल जाना पड़ेगा और 1 और 3 के लिए यहाँ पर सामने लिखा हुआ है बोर्ड और हम लोग चलते हैं उधर साइड में। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ है और 22:06 हो रहा है, यानी कि लगभग 10:06 हो रहा है। हमारी ट्रेन है 10:50 पर, यानी कि 22:50 पर हमें जाना है बनारस और यहाँ से निकल रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए किस प्रकार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन करना चाहेंगे कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई है, वो वंदे भारत एक्सप्रेस इस प्लेटफॉर्म पे आकर के रुकती है। आप देखेंगे कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत एक्सप्रेस आके रुकती है उस प्लेटफॉर्म की तुलना करेंगे अगर साधारण प्लेटफॉर्म से इसी रेलवे स्टेशन पर तो अंतर दोनों में आपको देखने को मिलेगा। सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है किस साइड अजमेरी गेट है और किस साइड पहाड़गंज है। इस पुल के माध्यम से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के उतर सकते हैं, जैसे कि आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई भी देगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर किस साइड में है, प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15, लेफ्ट साइड में 14 है और राइट साइड में 15 है।
तो हमें इधर नहीं जा करके बल्कि राइट साइड जाना होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ से देश भर में ट्रेनें जाती हैं, देश के कोने कोने तक ट्रेन जाती है और देश के कोने कोने से ट्रेन दिल्ली में आती है, चूँकि दिल्ली सेंटर है और दिल्ली देश की राजधानी है। क्या आपने कभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आए हैं और कभी आपने सफ़र किया इस प्रकार का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और हमारी ट्रेन अभी आई नहीं है, जस्ट आने वाली है। तो मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, लेकिन अपनी जो एक्सपीरियंस है वो साझा कीजिएगा दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।